हैप्पी बर्थडे बेटा। अरे तुम कौन हो? कौन है रिया? मम्मी पापा आप? यही दिन देखना बाकी रह गए थे हमारे लिए। हम सोचते थे कि हमारा लड़का दूसरों के बच्चों से अलग है, पर नहीं, ये तो खुल्लम खुल्ला बिना शादी किए एक लड़की के साथ रह रहा है एक ही छत के नीचे। अब मम्मी पापा, मैं आपको बताने वाला था इस बारे में। कब बताने वाला था? हमने अपनी आंखों से देख लिया सब कुछ, कब बताता बोल। और तुम, क्या नाम है तुम्हारा? जी आंटी, रिया। अरे रिया तो ठीक है, सरनेम क्या है, पूरा नाम क्या है, किस जात की हो, हमारी कास्ट की हो या नहीं हो? मम्मी कैसी बातें कर रही हो यार। रिया तुम मम्मी पापा के लिए चाय ले आओ। कैसी बातें कर रही हूँ मैं? तू किसी भी कास्ट की लड़की को लाकर घर में रहने लगेगा उसके साथ, और हम पूछा भी नहीं, दिमाग खराब हो गया तेरा? रिश्तेदारों को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे रिश्तेदारों को, समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, सोचा तूने? अरे आप लोग पहले शांत हो जाइए, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग को ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो, इतनी बड़ी बात है नहीं। लो सुन लो, मतलब तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, है ना? चाय। डायबिटीज है उन्हें? जी मुझे पता था, तो आपकी चाय में चीनी नहीं डाली है और आपकी चाय में 2 चम्मच चीनी डाली है। क्या करती हो? जी मैं आईटी कंपनी में मैनेजर हूँ। अब मम्मी मैं और ये एक ही कंपनी में जॉब करते हैं साथ में। तुम्हारे माता पिता को पता है तुम यहाँ एक लड़के के साथ रह रही हो? जी पता है। पता है? और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है? वो एक्चुअली उनको अपनी बेटी की पसंद पर पूरा भरोसा है और विकास भी उन्हें काफी पसंद है। हाँ भाई पसंद क्यों नहीं होगा, इतनी ऊंची कास्ट का लड़का बैठे बैठे मिल गया उनको, पसंद तो होगा ही। या तुम खाली चाह रही है, एक काम करो बिस्किट वगैरह ले आओ ना। मम्मी पापा एक बात बताइए, आपको कैसी लड़की चाहिए, सेम कास्ट की हो या फिर संस्कारी हो, इसके अंदर अच्छे गुण हो? बेटा ये ना कोई पूछने वाली बात नहीं है, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके होने वाली बहू ना गुणवंती हो, संस्कारी हो। अच्छा वेरी गुड। पापा बुआ के बेटे सागर की शादी किस कास्ट में हुई थी? हमारी कास्ट में। तो कैसी चल रही उसकी शादी? अरे चुप क्यों हो गए, बताओ ना कैसी चल रही उसकी शादी? लड़की बहुत ही बदचलन निकली, बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं, घर का कोई काम काज नहीं, देर रात तक पार्टी करनी और गैर मर्दों के साथ घूमना, और इसीलिए उसका डाइवोर्स हो गया। मम्मी आपको अच्छा लगेगा, कल को जो आपकी बहू आएगी वो घर को जोड़ने वाली नहीं, घर को तोड़ने वाली हो, जो आपके रिस्पेक्ट ना करे। माँ मैं रिया को 3 साल से जानता हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक अच्छी लड़की के अंदर होने चाहिए। आपने देखा अभी, उसको ये तक पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद है, यहाँ तक कि आपकी बीमारी के बारे में भी जानती है वो। माँ मुझे लगता है कि रिया से अच्छा लाइफ पार्टनर मेरे लिए नहीं हो सकता कोई। अरे चाय ठंडी हो गई, आप लोग चाय लीजिए ना। आई होप अच्छी बनी होगी। अच्छी है चाय भी और हमारी होने वाली बहू भी।